चांदागढ़ के राजवंश का इतिहास। दुनिया में मैंने बहुत सारे इतिहास पढ़े हैं, मैं भारत का इतिहास पढ़ चुका हूं, लेकिन कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई राजवंश ने जो है लगभग 900 साल तक राज किया हो किसी क्षेत्र में बिना ब्रेक के। लेकिन चांदागढ़ का इतिहास बताता है हम लोगों की हम लोगों के साम्राज्य इस क्षेत्र में जो है लगभग 900 साल तक रही है। ये कितनी बड़ी गौरव की बात है कि हम लोगों का समुदाय बिना रुके बिना थके लंबे समय तक इस भूमि के ऊपर में राज्य करता रहा, जिसकी जानकारी हम में से कई लोगों को नहीं होगी। और इसलिए हम लोगों को चांदागढ़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो कहते हैं कि चांदागढ़ का बेल्ट आप लोगों को आज भी मालूम है कि खनिज संपत्तियों से भरा भूरा है। आज भी वहां पर तांबा, लोहा और पता नहीं, वहां तो भैरागढ़ जैसा नाम हम लोग जो पढ़ते हैं तो वहां पर तो हीरे की खदानी थी। किसी समय में गोंड राजाओं के अधीन हीरे की खदानी थी। विश्वास नहीं होता, कानों में यकीन नहीं होता कि इस प्रकार का भी कोई साम्राज्य रहा होगा जहां हीरे की खदानी हुआ करती थी। वहां हो सकती है क्योंकि वो बेल्ट जो उड़ीसा के तरफ से आने वाला ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में आज भी खनिज संपत्तियां बहुत ज्यादा है। इस खनिज संपत्ति का उपयोग करने का तरीका अन्य समाज को बताने वाला अगर कोई उस समय में सत्ताधीश रहा है तो वो गोंड लोग थे, जिन्होंने सबसे पहले पत्थरों से जो है लोहे को निकाला। कच्चे लोहे का रूपांतरण उन्होंने पक्के लोहे के रूप में किया और उस लोहे का इस्तेमाल तलवार और बर्छिया और पता नहीं किस किस चीज में किया। माना समुदाय की सत्ता सबसे पहले यहाँ पर थी 600 साल 700 साल ईडी के तरफ में। उस सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए इन लोगों ने उस खनिज संपत्ति का इस्तेमाल किया, जिसमें से लोहे से इन लोगों ने तलवारें बनाई और औजार बनाए अलग अलग प्रकार के, और उनके बल पर उन लोगों ने माना समाज को पराजित कर जो है गोंड सत्ता का स्थापना उन्होंने चांदागढ़ में किया है, इस प्रकार का इतिहास हमको बताता है। भीम बल्लाड़ शाह के बारे में आप लोग जानते हैं, या फिर भीम बल्लाड़ शाह इस प्रकार का वो व्यक्ति था जिसने उस समय में हमारा जो समाज है वो भी अलग अलग इसमें ही था, उन सबको एकत्रित करने का काम उसने किया, संगठित उन्होंने उसको किया, हथियारों का प्रशिक्षण उसने दिया, खनिज संपत्ति से या लोहे से जो है पक्का लोहा बनाकर उसके तलवार किस प्रकार से बनाने का ये कला उसने पता नहीं कहाँ से सीखी, लेकिन उस समय में उसने अपने लोगों के दिए और जिसके कारण हम लोग बलशाली हुए। और इस प्रकार का ये बलवान राजा जो है भीम बल्लाड़ शाह के रूप में जो गद्दी पर बैठता है, वो हमारे इतिहास पारंपरिक इतिहास के हिसाब से 870 ईस्वी सन में बैठना चाहिए, लेकिन जो अन्य इतिहासकार है वो कहते हैं कि वो 1240 के आसपास गद्दी पर बैठा होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो है उसके लिए सबूत जो लगते हैं ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ने के लिए उसकी कमी के कारण चांदगढ़ का इतिहास भी जो है बहुत बाद में शुरू हुआ ऐसा इन लोगों ने बनाया हुआ है। और उसके बाद में तो एक लंबी लिस्ट है हमारे राजाओं की, भीम बल्लाड़ शाह, खुर्जा बल्लाड़ शाह, तलवार शाह, हीर शाह, केसरी शाह, दिनकर शाह, राम शाह, सुरजा बल्लाड़ शाह, पता नहीं खांडक्या बल्लाड़ शाह, हीर शाह, भूमा, लोकबा, कोंडिया, बाबाजी बल्लाड़ शाह, ढोंडिया राम शाह, इस प्रकार के कृष्णा शाह, वीर शाह, राम शाह, ये सारे नाम हैं। इनकी एक जो है मोतीराम कंगाली जी ने उस समय में मुझे एक इनके वंशावर जिसको हम लोग बोलते हैं वो उस समय में मुझे उन्होंने दिया हुआ है, एक फोटोकॉपी है, और इसमें जब मैंने उसके बड़े गहराई के साथ में अध्ययन किया तो मुझे ये समझ में आया कि ये लिस्ट जो है बहुत कम है। इनके जो वंशावर में जो दिया हुआ है, एक जेनोलॉजी जो उन लोगों ने लिखा हुआ है उसमें उन लोगों के जो नाम है वो सुर के साथ में जुड़ते हैं। सुर नाम जब लिखा जाता था, असुर सुर इस प्रकार का नाम जब लिखा जाता था तब के सबसे पहले इनके पुरखे उन लोगों ने उस जियोलॉजी में लिखा हुआ है सबसे पहले नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले सुल्तानों के पहले भी हम लोगों के पुरखे इस क्षेत्र में राज्य करते थे। उसके बाद के नाम के आगे में लिखा हुआ है सिंह। सिंह का मतलब है राजपूत हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, तो इस प्रकार का। तो उनके नाम जो है जब हम लोग बड़े बारीकी से जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा सुर लगा हुआ है, उसके बाद वाले जो आने वाले लोग हैं उनके नाम के आगे में सिंह लगा हुआ है, जो राजपूतों का उन लोगों ने कॉपी किया होगा या उनके समकालीन रहे होंगे और इसलिए उस प्रकार के नाम उनके हैं।
उसके बाद में जब सुल्तानों और मुगलों का काल चालू हो जाता है तो इनके नाम में फिर बदलाव आता है, इनके नाम के आगे में शाह लगता है। और इसके बाद में भी हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे नीलकंठ राव आखिरी जो राजा का बताया गया हुआ है चांदागढ़ के राजाओं का, तो वो राव लगा हुआ है नीलकंठ राव, इसका मतलब क्या, मराठों का प्रभाव उस समय में उनके ऊपर में था। तो इस प्रकार से ये चांदागढ़ का जो इतिहास है वो भी एक बहुत विस्तीर्ण इस प्रकार का भूभाग रहा है। और ये वो बेल्ट था जिसको हम लोग दंडकारण्य का मध्य भाग हम लोग कह सकते हैं। इस प्रकार के राज्य की क्या उपलब्धियां रही इनको हम लोग आज के दिन याद कर रहे हैं। और इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि चांदागढ़ के राजाओं ने बाहमनी जो दक्षिणी राज्य थे, मुस्लिम राज्य थे, उन लोगों के आक्रमण जो इनके ऊपर में होते थे, पर्टिकुलरली माहूरगढ़ जो है, जो गोंड राजवंश ने बनाया हुआ है, उसके ऊपर में आक्रमण वो लोग करते थे क्योंकि वो चांदागढ़ का ही हिस्सा उस समय में था। वहां कई बार उन लोगों ने आक्रमण किया और उनको पराजित करने में हमारे गोंड राजवंश के राजा कभी पीछे नहीं रहे। बाहमनी राजा को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार इन लोगों ने पराजित किया हुआ। क्या इससे हम लोगों को ये समझ में नहीं आते कि इनकी शक्ति भी जो है ये मामूली नहीं थी, ये भी शक्तिशाली थे, ये भी जो है उनकी एक रणनीति उनकी उस समय में रही होगी और उनकी जो है शक्तियाँ जो नापने की जो कुछ भी पैमाने होंगे उसमें ये लोग बहुत आगे थे। और इसीलिए ये हो गया, चंद्रपुर के राजाओं ने जो टकोली नाम की कर व्यवस्था उस समय में लागू की थी, वो कर व्यवस्था मराठों के समय में भी जस की तस बनी रही। इसका क्या मतलब हुआ, मराठों को भी हिम्मत नहीं हुई कि इस प्रकार की कर व्यवस्था को वो बदल दें। और ये टकोली नाम की कर व्यवस्था जो है वो हमारे राजाओं का योगदान है, वो चांदागढ़ के राजाओं का योगदान है। इसके अलावा कृषि का विस्तार इन लोगों ने किया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो जंगली हिस्सा था, यहाँ तो हिस्र पशु रहते थे, ये दंडकारण्य किसी समय में कहा जाता था। इस प्रकार के भूभाग में ऊपर में कितने पेड़ पौधे होंगे, कितने पशु पक्षी होंगे, आप लोग सोच सकते हैं। इस प्रकार के भूमि को सुजलाम सुफलाम बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन चांदागढ़ के राजाओं ने इसको सुजलाम सुफलाम बनाया, कृषि का विस्तार किया। और कृषि का विस्तार ही नहीं किया तो सिंचन व्यवस्था भी उन्होंने प्रस्तापित की, सिंचाई के साधन के रूप में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि तालाबों का, निर्माण इन्होंने क्यों किया होगा, बावड़ियों का निर्माण इन्होंने क्यों किया होगा। आज भी रामाड़ा तालाब, जैसे वहां के रामशाह जो राजा रह चुके उनके नाम से है वहां पर आज भी, तो ये तालाब किसने बनाए हुए हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं लोगों के सुविधाओं के लिए बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं है तो वहां पाइपलाइंस भी बिछी हुई है गोंड राजाओं के काल में, चंद्रपुर में आज भी खुदाई पर निकलते हैं। ये उनके समय की जो है वो पानी का व्यवस्थापन किस प्रकार से करना हम लोगों ने लोगों को सिखाया हुआ जो आज हम लोग भूल चुके हैं। इसके अलावा उन लोगों ने उस समय में आजू बाजू के जितने भी प्रांत हुआ करते थे, दक्षिणी भाग पर्टिकुलरली आंध्रा की तरफ से, उधर के कई सारे लोगों को, आज जो भी हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे जो साउथ इंडियन दिखाई देते हैं, उन लोगों को उन लोगों ने बुलाया हुआ है कृषि करने के लिए, उन लोगों को बुलाया, बाग बगीचे लगाने के लिए उन लोगों को बुलाया, जल व्यवस्थापन के लिए उन्होंने बुलाया, जंगल काटने के लिए लोगों को बुलाया। और इस प्रकार से मध्य भारत की जनसंख्या बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। इतना ही नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ कृषि का विकास ही नहीं किया तो उस समय के व्यापारी व्यवसायियों को भी उन लोगों ने न्योता देकर यहाँ पर बुलाया और अपना जो साम्राज्य है उसका और ज्यादा वैभवशाली बनाने का काम उन्होंने किया हुआ है। इस प्रकार के कई काम हम लोग कह सकते हैं कि मध्य भारत में गोंड राजवंशों ने किया हुआ है, जिसमें चांदागढ़ का जो नाम है वो भी अग्रणी है।